सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शास्त्रों में बताए गए दिवाली के टोटके के उपायों को करने से बहुत जल्दी ही माँ महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा घर में धन संपदा का आगमन होता है। भारत के सभी पर्वों में दिवाली का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं आती है। साथ ही शास्त्रों में बताए टोटके के उपायों से बहुत जल्द ही लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए हम आपको ज्योतिषियों के बताए 25 उपाय बताने जा रहे हैं। इन्हें सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या अधिक उपाय करने से दारिद्रता दूर होकर सुख संपत्ति का आगमन होता है। एक, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजानी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। दो, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर या फिर हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। तीन, किसी शिव मंदिर जाए और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाए। ध्यान रहे, सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। चार, दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कोडिया भी रखनी चाहिए। ये कोडिया पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। पांच, लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। छह, दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए लिए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। सात, दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। आठ, इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। नौ, दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। 10. अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, वापिस पलट कर न देखें। 11. दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। 12. दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। 13. लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें
और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। 14. दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी के 1 रुपया ले और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। 15. प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। 16. दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाए और घर लौटकर आ जाए। ध्यान रखे पीछे पलट कर न देखे। 17. महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। 18. दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। 19. यदि संभव हो सके तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। 20. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप, दीप और ध्यान करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। 21. लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। 22. घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं, तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। 23. जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हो। 24. दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 25. महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का कमल गट्टे की माला से कम 108 बार जप करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।